वाओ, एक नई ज्ञान केमिकल फील्ड के बारे में। कितना सारा ज्ञान आजकल हमें सोशल मीडिया पे मिल जाता है केमिकल पील्स के बारे में। येलो पील से ये होता है, ग्लाइकोलिक पील से ये होता है, और अपने फ्रेंड्स को बोल रहे होते हैं तुम ये वाली पील करा लो, तुम ये वाली पील करा लो। पर एक्चुअली डू यू नो व्हाट इज अ केमिकल पील एंड व्हाट इज द इमेंसिटी ऑफ इफेक्ट अ राइट केमिकल पील कैन हैव फॉर यू। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट केमिकल पील्स एंड इट्स बेनिफिट्स। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, because half knowledge is dangerous thing, and don't forget to subscribe to our channel. अब शुरू करते हैं कि केमिकल पील्स होते क्या है। What exactly is a chemical peel? केमिकल पील कुछ ऐसे substances है, chemicals है, जो कि derive होते हैं fruits, vegetables और milk से भी। अब ये क्या action करते हैं? There are thousands of different types of chemical peels available, एंड इनके बहुत सारे एक्शंस हैं। रिंकल्स पे काम करते हैं, आपकी अनइवन स्किन टोन पे काम करते हैं, सन डैमेज पे काम करते हैं, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। दिस टोटली डिपेंड्स, केमिकल पील क्या काम करेगी टोटली डिपेंड्स कि केमिकल पील कौन सी है, व्हाट केमिकल पील का सब्सटेंस एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, वही डिटर्मिन करता है कि वो क्या इफेक्ट देगी। अब केमिकल पील्स हाउ डू दे वर्क? The human skin is acidic in nature. Until and unless you use an acidic substance, the penetration is going to be a problem. So chemical peels are acids, essentially acids, jinka pH 1 to 3 to 4 se depend karta hai. वहाँ पर एक्टिव आयंस कितने होते हैं वही पील की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है, और जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी डीप उसकी पेनिट्रेशन होगी और उतना ही बेटर उसका इफेक्ट होगा। पर यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ज़रूरी है कि अगर पील डीप है तो इफेक्ट तो अच्छा होगा पर बर्न होने के भी चांसेस हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द डीप पील्स। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि केमिकल पील्स तो केमिकल्स हैं, अब वाई शुड वी यूज अ केमिकल ऑन आर स्किन, केमिकल्स तो खराब है। बट दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ कि हर केमिकल खराब होता है। एवरीथिंग इज अ केमिकल, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। व्हाट डू यू थिंक आर सेल्स आर मेड ऑफ? दे आर ऑल मेड ऑफ प्रोटीन्स विच आर अगेन मेड ऑफ सम नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ऑल द अदर सेल्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन। सो एवरीथिंग इज अ केमिकल इन नेचर। There are good chemicals and there are bad chemicals. We are only going to pick up the right chemicals or the good chemicals which work in a certain way to produce a desired effect on our skin. So इसीलिए chemical peels good chemicals हैं जो आपके skin पे एक desired effect ला सकते हैं। अब best practices क्या हैं जब आप chemical peels use करें? ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना ताकि आप केमिकल पील्स का राइट इफेक्ट ले सकें। सबसे पहले डू नॉट यूज होम पील्स, ना तो उसके अंदर वो स्ट्रेंथ होती है ना उतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जो आपको इफेक्ट चाहिए वो आ जाएगा। इसकी वजह से आप उसको रिपीट यूज़ करते हो और स्किन डैमेज कॉज करते हो, और जब आप एक्चुअल केमिकल पील के लिए जाओगे क्लिनिक में देन दैट कैन बैकफायर। सो से नो टू होम पील्स। सेकेंड इज यू शुड ऑलवेज हैव अ प्राइम्ड स्किन, स्किन प्राइम्ड अप होनी चाहिए। अब प्राइम्ड अप का क्या मतलब है? प्राइम्ड अप मतलब स्किन का जो वाटर और ऑयल बैलेंस है वो इतना ऑप्टिमम होना चाहिए, इतनी रिजिलियंस होनी चाहिए स्किन में कि वो रिस्पॉन्ड करे केमिकल पील को, रिएक्ट ना करे। इसीलिए क्लिनिक एग्जिमस में जब भी हम पील्स करते हैं वी फॉलो इट विद अ डीप नॉन नीडल हाइड्रेशन मेसोथेरेपी, सो दैट द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द डर्मल लेयर और द सेकेंड लेयर इज ऑप्टिमाइज्ड एंड द पील कैन गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेन एवर यू यूज अ पील आफ्टर दैट यू शुड ऑलवेज मॉइस्चराइज योर स्किन एंड यूज अ सन ब्लॉक, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ येलो पील्स जहाँ कुछ टाइम के बाद हम मॉइस्चराइजेशन एंड सन ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप ठीक से करते हो तभी राइट इफेक्ट ऑफ पील आता है। लेट योर डॉक्टर चूज वॉट पील्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, वॉट कंसनट्रेशन ऑफ पील्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, एंड वॉट इज द राइट वे ऑफ द पील टू बी अप्लाइड। यहाँ पर पील्स क्योंकि इतनी डिफरेंट तरह की पील्स हैं कि यहाँ पर पेशेंट कॉस्ट के ट्रैप में फंस जाता है।
क्या होता है कि पील्स इंडियन भी आती हैं, पील्स थोड़ी बेटर क्वालिटी की भी आती हैं और कुछ इंटरनेशनल पील्स भी आती हैं। इंटरनेशनल पील्स एक स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म से बनाई जाती है जिसकी वजह से उनका पीएच यानी कि जो पीएच है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि जब वो स्किन पे लगे तो राइट क्वांटिटी में एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज हो। उनकी पैकिंग भी इसी तरह की जाती है ताकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उनकी एक्टिवनेस ख़त्म ना हो। इसीलिए कुछ इंटरनेशनल पील्स जो अच्छी कंपनीज की होती है वो एक्सपेंसिव आती है। यही कॉस्ट ऑब्वियसली अगर आपके डॉक्टर अच्छी पील्स यूज़ करें, कुछ इंटरनेशनल पील्स यूज़ करें, तो वो कॉस्ट पेशेंट को ट्रांसफ़र होती ही है। कॉस्ट से आप मत घबराओ, बट मेक श्योर दैट योर डॉक्टर एश्योर्स यू कि द पील इज़ गोइंग टू हैव द राइट इफेक्ट। दैट इज़ वेयर यू कैन गेट द राइट इफेक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम फ्रॉम द केमिकल। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching this video and giving your time.